हाँ जमान। अस्सलाम वालेकुम एसपी जमान। आई एम सॉरी सर, मैं आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लाया हूँ। आपके दामाद हारून जलानी का कार एक्सीडेंट हुआ है। ओके साहब। मुझे अफसोस है सर, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कत्ल का केस है, उनकी बॉडी पर जख्मों के निशान पाए गए। बॉडी कहाँ है? सिविल हॉस्पिटल में है। आपकी इजाजत चाहिए पोस्टमार्टम? नहीं, इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा मैं। लेकिन सर मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी मजीद अजियत में आए। सॉरी साहब। सर बहुत अफसोस हुआ खान साहब। मुजरिम पकड़ा गया है या नहीं? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द उसे पकड़ लिया जाएगा। जमान सर, डेड बॉडी अपनी निगरानी में यहां पहुंचा दो। सर इब्तदाई तफ्तीश से पता चलता है कि ये कत्ल का केस है, इसकी बॉडी पर तशद्दुद के निशानात हैं, इसलिए हम पोस्टमार्टम के लिए। इसको बताओ कि मैं लाश की बेहुरमती की इजाजत नहीं दूंगा। जी जी खान साहब, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। सर हाँ सब ठीक कह रहे हैं, जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। मैं आदमी भेजता हूँ हॉस्पिटल बॉडी लेने के लिए। जमान कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। सर सर ये लाश की इब्तदाई रिपोर्ट है। जिस्म पे जख्मों के निशान दाएं हाथ पर है। वो लोग आ रहे हैं, डेड बॉडी आप उनके हवाले कर दें। लेकिन सर पोस्टमार्टम? इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर्सनल मामला है, मैं रिपोर्ट बना दूंगा। आप डेथ सर्टिफिकेट बना दें, रीजन फ्रैक्चर ब्लडिंग। ओके ठीक है सर, जैसे आप चाहें। हारून का एक्सीडेंट हो गया। क्या खैरियत? ठीक तो है वो? इंतकाल हो गया उसका। ये कैसे हो सकता है? बेटा बेटा चलो मुझे तो याद आ गई, तुमसे तो इतना भी नहीं होता। अरे यार तू बड़ा आदमी हो गया यार, समझा? तुझे तो फोन करते हुए डर लगता है यार, के अगर पहचानने से इनकार कर दिया तो हमारी तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। पुराने दोस्तों को भूलता कौन है जो पहचानना पड़े। ओ हो, पक्का सियासतदान हो गया भाई, बड़ी लफाजी आ गई है। अबे बड़े नोट छप रहे हैं। और
सुना है मैंने कि हुकूमतें ऑफर भी बहुत कर रही है भाई, हैं? अगर ऐसी बात है यार तो कुछ अच्छे काम भी कर लो यार। अच्छा, मसलन कौन से अच्छे काम? यार मेरा एक मैगजीन रुका हुआ है। हाँ, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं एक डॉक्यूमेंट भिजवाऊँगा, एक मिनट एक मिनट। अफसोस के साथ आपको ये खबर देते हैं कि मशहूर सवाजी रहमान और बिजनेसमैन फरहान खान के दामाद हादसे में जान गए। नमाज़े जनाज़ा आज क्या हुआ? खान के दामाद का इंतकाल हो गया। हाँ, वो सुबह हादसा हुआ था। अच्छा हाँ, वो क्या भेज रहा था भाई तू? हाँ, एक पुरानी खबर हाथ लगी है जो कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन सकती है। डॉक्यूमेंट्स भिजवाता हूँ, जरा चेक तो करें। बल्कि शाम में मिल क्यों नहीं लेते डिनर पर? तू वो भेज मुझे जो तू भेज रहा है, मैं उसमें देखूं क्या ब्रेकिंग न्यूज है। ठीक है, मिलते हैं डिनर पर। तुम तैयारी कर लो, हम खान के दामाद की मैयत पर जाएंगे। क्यों, हम वहां पे क्यों जाएंगे? पीएम सीएम सब वहां होंगे, ऑपोजिशन वाले भी होंगे, और ये सिर्फ तदफीन नहीं है, ताल्लुकात का मुजाहरा भी होगा। कौन किससे कितना करीब है ये सब नोट कर रहे होंगे, और पॉलिटिक्स में ये इवेंट्स काफी अहमियत रखते हैं। गेट रेडी। नीलम बेटा, मेरी बात सुनो, तुम उसे नहीं देख सकती, उसका ऐसा हाल नहीं है, तुम्हारे बाबा इजाजत नहीं देंगे तुम्हें। मम्मी प्लीज, मेरे अरुण को एक बार देखना। अब नहीं है ना, तुम नहीं देख सकती उसे। मेरे अरुण को एक बार देख। आप ही समझाएं इसे। पप्पो, मम्मी को बोले ना मेरे अरुण की एक बार शक्ल देखने। बस हिम्मत करो, शबाना ठीक कह रही है। अच्छा है ना, तुम हारून को अपनी यादों में मुस्कुराता हुआ ही देखो। बहुत अफसोस हुआ खान, दामाद ही बेटे ही जैसा होता है। अल्लाह ताला हमारी बेटी को सबर दे। आमीन। बेटियों के दुख सांझे होते हैं खान साहब, मैं आपकी कैफियत समझ सकता हूँ। खुदा आपके दामाद की मगफरत फरमाए।
बहुत दुख होगा। हादसा है या और कोई मामला? हादसा ही है। एनीवे तुम्हें अब अपने लिए प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, कोई साजिश भी हो सकती है। नीलम बेटा, ये अपना क्या हाल बना रखा है तुमने? रात से कुछ नहीं खाया, घंटों से रो रही हो, क्या कर रही हो अपने साथ? मैं उससे लड़कर आई थी, मैं जानती हूँ, लेकिन जो हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें तो नहीं पता था कि ये होगा, किसी को नहीं पता था। ऐसे करोगी तो बीमार पड़ जाओगी। तुम भी क्यों सब सिक बेटा, जो हो गया सो हो गया है ना, अब हिम्मत करो। मैं फिर मिलता हूँ सर। फिर क्या सोचा तुमने? खान ने मेरा पैगाम तो पहुंचा दिया हो। सोचना क्या है, खान से तो दुनिया कल मुतारिफ होगी। फिर हमसे हाथ मिला लो, मिलके मुतारिफ कराएंगे। मैं MPA था जब आपकी वालदा का इंतकाल हुआ था। खान ये मौका तो नहीं है, लेकिन ट्रेजरी बिल का मसला है, इसीलिए तो तुम इस जगह पे हो कि हर बात पे तुम्हारी निगाह। कपेशन है ये पहला संदेह, बहुत जल्द। मैं जानता हूँ खान के सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में। हो जाएगी मुश्किल, ऐसा हो जाएगी। शुक्रिया। सिखाओ शमसी, मैं जानता हूं कि सहाफती दुनिया में क्या क्या होता है। बस तुमसे जो कह रहा हूं वो करो, और आज से तुम्हारे अखबार की कॉपी प्रेस में जाने से पहले मेरी टेबल पर होनी चाहिए। ये सिर्फ मेरे अखबार के लिए है। और हाँ, रही
कानून की बात तो गवर्नमेंट सर्कुलर कल आ जाएगा। आमिर, मेरे कमरे में आइए। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। थैंक यू सर। पुरानी कहानी है, मुझे पूरी तफसील चाहिए इसकी, और आज शाम तक। जी सर। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए इसकी। समझिए सर। दवा खिलाएंगे आज। चलो शाबाश, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। तुम जानते हो ना मैंने ऐसा क्यों किया? जानते हो ना? मुझे इश्क है तुम लोगों से, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई आ जाए। मैं नहीं चाहता, मैं देख सकता ही नहीं। उसने नीलम पे हाथ उठाया, मेरी बेटी पे, तुम्हारी बहन पे हाथ उठाया उसने। तोड़ दिया मैंने उसका हाथ। कुचल दिया मैंने उसे। उसकी जरूरत कैसे हुई नीलम पे हाथ उठाने की?
ये वो सांप था जो दूध भी पीता था और डसता भी था, इसलिए खत्म कर दिया मैंने उसे। ले लिया मैंने अपनी बेटी का बदला, ले लिया। तुम हंसो हंसो, खुश हो जाओ। मैं तुम लोगों को हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूं हर वक्त। कितने दिन बाद हम इस तरह डिनर करने बाहर आए। शुक्र है आपको मेरे लिए कुछ वक्त तो मिला। तुम लम्हों की बात कर रही हो, मैंने तो जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी है। सियासत से पहले की बात कर रहे हैं आप, तो आपकी शादी सियासत से हो चुकी है। शुक्र करो सियासत से हुई, वरना तुम तो जानती हो क्या हो सकता था। जानती हूँ। औलाद ना होने की वजह से आप पे बहुत दबाव था ना। अरे नहीं, ये बात नहीं है। क्यों ऐसा सोचती हो? तुम तो सब कुछ हो मेरा। जानती हूँ आपने बहुत प्यार दिया मुझे, और हमेशा देता रहूं अपनी आखिरी सांस तक। पर मुझे लगता है जैसे आप आजकल कुछ स्ट्रेस में हैं। शहर आकर बदल गए आप। दुनिया से बदल सकता हूँ, तुमसे नहीं। बात को घुमाए नहीं, गांव में कितनी खुशी थी, कितना टाइम होता था हम दोनों के पास एक दूसरे के लिए। कयादत के लिए शहर आना जरूरी था। पर मुझे शहर पसंद नहीं आया। गांव में कितनी खुशी थी, कितना सुकून था। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना बेगम साहिबा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना अकलमंदी नहीं है। अरे मेरे पास तुम हो ना, समझो सब कुछ मिल गया मुझे। मैंने आपके लिए अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दी ताकि आपको वक्त दे सकूं। तुम्हारे इस फैसले ने मुझे बहुत सुकून दिया है। बस एक मसला चल रहा है, निमट जाए तो सुकून आ जाएगा, उसके बाद यूरोप चलेंगे। क्या ख्याल है? I wish आपके पास मेरे लिए इतना वक्त हो। वादा है मेरा। देखते हैं वादा कितना वफा होता है। चैलेंज कर रही हो मुझे? नहीं, मुझे आप पे यकीन है। बस इसी तरह हंसती रहा करो, एनर्जी मिलती है मुझे। क्या आपके दोस्त कहाँ रह गए हैं? देर नहीं हो गई काफी? नहीं 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 नहीं, वो फाइल में देखो फाइल। नहीं नहीं, दूसरी फाइल में देखो। हाँ जमील जी। शमसी साहब कहाँ रह गए आप? मैं और आपकी भाभी डिनर पर इंतज़ार कर रहे हैं। अबे यार भाभी से सॉरी कर लो यार, वो मैं तुम्हारे काम में मसरूफ हूँ यार। काम तो चलते रहते हैं शमसी साहब, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आए ना यार। भाभी से सॉरी कर लो यार, मैं तेरे ही काम में फंसा हुआ हूँ यार, बहुत बिजी हूँ। श्योर यार, तुम डिनर कर ले, मैं तेरे पास घर आ रहा हूँ। ठीक है, चलें ठीक है। बिजी है कहीं? अच्छा हो, हमें वक्त मिल गया। एक मिनट। हेलो सर जी, वो घर पे डकैती हुई है, कुछ लोग आए हुए थे,
अच्छा जी सर, ठीक है मैं आता हूँ। सही है, ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, खाना खाते हैं। हाँ वो निकल गए। ये आपके घर में गार्ड्स होने के बावजूद लोग घुस कैसे गए? चोरी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस मेरी स्टडी में पेपर सारे इधर उधर थे, समझ में नहीं आ रहा कौन आया। सर गार्ड्स तो आपके मौजूद थे घर में? हाँ वो तो यहीं पर थे। हेलो जी शमसी साहब, कहाँ हैं आप? अरे यार जलील, मैं ऑफिस से निकला ना अपने, तो कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं यार, मैं फंस गया हूँ, प्लीज। अच्छा अभी कहाँ हैं आप? यार तुम्हारे घर के पास वो होटल है ना, उसके वॉशरूम से बात कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए यार, मुझे बहुत डर लग रहा है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप वहीं रुके, मेरा ड्राइवर आ रहा है, आपके नंबर पर कॉल करेगा। हाँ जल्दी भेज दे यार। ओके वापस। अस्सलाम वालेकुम, आप नीलम बात कर रही हैं? जी बोल रही हूँ, आप कौन? मैं एसपी जमान बोल रहा हूँ, आपके शौहर हारून साहब का केस मेरे पास है। जी आपसे ताज़ियत भी करनी थी, बहुत अफसोस हुआ आप हारून साहब की मौत का। जी कहिए। एक बात पूछनी थी आपसे।
क्या आपके हस्बैंड की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? एक्चुअली उनकी बॉडी मैंने रिकवर की थी। आपको किसी पर कोई शक वगैरह? नहीं, हारून की किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपके वालिद ने कार्रवाई करने से रोक दिया। एनीवे, थैंक्स फॉर योर टाइम। अपना ख्याल रखिए। बहुत अफसोस हुआ खान तुम्हारे दामाद का। अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे उसे। आमीन। हाँ, तुम कुछ दिखाना चाहते थे मुझे? हमारे हल्का अहबाब में बहुत इज्जत है आपकी, मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, इसलिए सोचा खुद ही आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। बेटा ये लगाना जरा। बस ठीक है, तुम जाओ। चूंकि बहुत एहतराम करता हूँ आपका, इसलिए खुद हाजिर हुआ हूँ, वरना मेरी जगह कोई और होता तो पता नहीं कैसे पेश आता। आप समझ रहे हैं ना? चाहते क्या हो तुम? चाहता क्या हूँ मैं? क्या हुआ, इतनी हवाइयां क्यों उड़ी हुई आपके? या कोई पीछा कर रहा था? आज मेरी जान बच गई बस। जमील, वहम भी तो हो सकता है, वो तो बिल्कुल बेजरर है। नहीं 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 नहीं, अगर मैं तुम्हारी कहानी ना पढ़ लेता तो मैं भी यही समझता। जमील, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से कॉल आई थी। अखबार की कॉपी प्रेस में जाने से पहले सेंसर होगी। अच्छा, समझ गया इसके पीछे कौन है। खान के अलावा और कौन होगा? बज़ाहिर मेरे घर आज होने वाली डकैती के पीछे भी खान इन्वॉल्व है। आप ये खबर टीवी पर क्यों नहीं दे देते? यार जमील, देखो तुम इस किस्से को खत्म कर दो, छोड़ दो खान का पीछा, छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं आप? अच्छा देखो, ये बात जो है ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। मैंने छानबीन की ना, तो जो कुछ निकला वो बहुत शर्मनाक और भयानक था। क्यों, क्या छानबीन किया आपने? यार रहने दो ना यार, जमील खत्म करते इस बात को यहीं। आप डर गए हैं या कोई और बात है? जमील, जिस लड़की पर रेप अटेम्प्ट हुआ था उसका बाप सेशन कोर्ट में मुलाजिम था और उसने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके एफआईआर में से बेटी का नाम निकलवा दिया। मतलब क्या है?
यार मतलब को भाड़ में डालो यार, ये बात बाहर में बाहर ना निकले तो बेहतर। मुझे लगता है आप बिक गए और अब अपनी झूठी इज्जत कायम रखने के लिए आपने ये कहानी गढ़ी है। कितने पैसे दिए खान ने? मैं डबल दूंगा बताएं। बात पैसे की नहीं है, इज्जत की है। और मेरी इज्जत की नहीं, तुम्हारी इज्जत। नाम जानना चाहोगे तुम उस लड़की का? जमील। कुछ चाहिए तो नहीं आप लोगों को? नहीं, इट्स ओके। अच्छा, लेकिन जब खाना लगाना हो तो बता दीजिएगा। नाम क्या है लड़के का? सर, वक्त